अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ तवा कबाब की। तो यहाँ मैंने उसके लिए लिए हैं तकरीबन आधा किलो के करीब जो है ये कीमा है, और ये मशीन से जो है ये मैंने निकलवा लिया था, धोकर अच्छे से इसको पीस लिया है। यहाँ इसके लिए मैंने एक टेबल स्पून के करीब जो है ये लहसुन अदरक लिया है, ये एक लीमू का रस है, ये हरी मिर्चें हैं, हरा धनिया है, और ये प्याज है। तो प्याज का जो है ये मैंने चॉप कर लिया था। इसका पानी जो है इस तरह से करके इसको निकाल लेंगे, पानी को इसमें बग़ैर पानी के इस प्याज को थोड़ा सा शामिल करेंगे। और ये भुना हुआ जो है ये भुना हुआ बेसन है, इसको मैंने तवे पे भून के यहाँ पे रखा है रेसिपी शेयर करने के लिए आपके साथ। तो यहाँ मैंने हाफ़ टेबल स्पून के करीब नमक लिया है, कुटी हुई मिर्च ली है हाफ़ टेबल स्पून, चाट मसाला लिया है, गोला कबाब का मसाला लिया है, मैक्रोनी मसाला, टिक्का मसाला लिया है, और ये जो है बेकिंग पाउडर है। तो यहाँ पे मैं सब चीज़ें जो है ये इसमें शामिल करके मिक्स कर रही हूँ। तो ये रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, बहुत मज़ेदार बनते हैं ये कबाब। ट्राई कीजिएगा मेरी रेसिपी, अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर ज़रूर लाइक शेयर कीजिएगा। ये देखिए, अब हम कीमे में जो है ये सारे जो स्पाइसेस हैं, ये नमक है, ये कुटी मिर्च है, चाट मसाला है, मैक्रोनी का ये टिक्का मसाला है, और यहाँ पे जो है गुला कबाब मसाला, ये बेकिंग पाउडर है, ये सब इसमें जाएगा। यहाँ पे जो है एक टेबल स्पून के करीब जो है ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये जाएगा। ये एक टेबल स्पून के करीब जो है ये लीमू का रस है, ये जाएगा इसमें। ये हरी मिर्चें पिसी हुई, ये जाएंगी इसमें। ये हरा धनिया है, ये ऐड करेंगे इसमें। और ये प्याज जो है, ये शामिल करेंगे इसमें। और ये भुना हुआ जो बेसन है ये शामिल करके इसको मिक्स करते हैं। ये देखें, ये मैं ये सब चीज़ें जो हैं इसको मिक्स कर लेते हैं। कबाब बनाते हैं, ये बहुत मज़े के। ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी, इन सबको मिक्स कर लेते हैं। ये देखें, सारा कबाबों का जो मसाला था उसको सारा मिक्स करके रख दिया है इसमें। अब इसको जो है हम किसी रैपर से जो है इसको कवर कर देते हैं, और उसके बाद जो है जब ये कबाब तलेंगे तो उससे आगे की रेसिपी जो है आपके साथ शेयर करेंगे। यहाँ पे ये कबाब जो थे हमने इनको मसाला लगा कर रख दिया था, अब इसको जो है हम फ्राई कर लेते हैं। इस तरह करके हम इनको फ्राई कर लेते हैं। एक एक करके सारे बना लेते हैं, और बनाने के बाद जो है इनको फ्राई करते हैं, फिर आपसे जो है ये रेसिपी जो है इसको आगे की तरफ शेयर करते हैं। जी देखिए, यहाँ पे मैंने ये कबाब जो हैं ये बनाकर रख लिए हैं, आइए इनको शेलो फ्राई करते हैं। जी देखिए, यहाँ हमने इनको घी में और जो है इसको ऑयल में या घी जो भी आपको जिसमें भी आपको सूटेबल लगे आप उसमें तल सकते हैं। ये इस तरह करके हम इनको तल लेंगे कबाबों को। जो है ये देखें कितना अच्छा सा कलर आया है बनकर, बहुत ज़बरदस्त कलर आया है कबाबों का। ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी, अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक शेयर कीजिएगा। आप किन किन शहरों से, किन किन मुल्कों से मुझे देख रहे हैं, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी मेरी कैसी लगी। जी देखिए, यहाँ पे ये हमारे कबाब कितने अच्छे से बनकर तैयार हो गए हैं, तो आइए इनको ट्राई करते हैं। ये देखें, ये देखें कितने नरम और कितने जूसी जूसी से हमारे कबाब बने हैं। ये चटनी और सैलेड के साथ बहुत मज़े के लगेंगे। ट्राई कीजिएगा मेरी रेसिपी। कि हम आने वाली नई वीडियो के साथ हम दोबारा मिलते हैं इंशाल्लाह ताला। तो जब तक अपना ख्याल रखिएगा, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।